बहन की शादी को 6 साल हो गए, मैं कभी उनके हाँ नहीं गया। ईद शब रात अम्मी या अब्बू चले जाते थे। एक दिन मेरी बीबी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी घर आती है उसके बच्चे घर का हशर नशर कर देते हैं, और आपकी माँ जो हमसे चुप चुपा कर कपड़े साबुन और कभी कभी को चावल के थैले भी भर के दे देती है। अपनी माँ से कहो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपने घर का बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था और मेरी माँ सब कुछ मेरी बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी तो उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से से कहा कि माँ बहन को कहा करो ईद के दिन आया करे, और ये जो आप साबुन चावल और ये जो चीज़ें देती हो इनको बंद करें। माँ चुप रही लेकिन बहन ने ये सारी बातें सुन ली। 4 बज रहे थे, बच्चों को तैयार किया तो बहन ने कहा कि भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा बहन रुक जाती कुछ दिन। बहन मुस्कुराई और बोली नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, मुझे जाना है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटी का भी तो हक बनता है। मैंने गाली देते हुए कहा जो कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी ने भी बहन को बुरा भला कहा, वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया और मेरे घर के हालात खराब हो गए। जितना सब कुछ था मैं उसके इलाज पे लगा चुका था, मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, लाखों रुपए लगा चुका था और भूख सर पे थी। परेशानी की हालत में कमरे में बैठा शायद अपने हालात पे रो रहा था, उसी वक्त मेरे घर में वही बहन आई। मैंने गुस्से से बोला ये आ गई मनहूस। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई और कहा कोई जरूरत नहीं गोश्त और बिरयानी बनाने की। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहा बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से कंगन निकाले और मेरे हाथ पे रख दिए और आहिस्ता से बोली पागल तू एम ही परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्च करो और अपने बच्चे का इलाज करवाओ, शक्ल तो देख जरा तूने क्या हालत बना रखी है। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखी जा रहा था। बहन ऐसा से बोली किसी को मत बताना तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा दिया और 1,000 रुपया मुझे दिया जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी, मेरी जेब में डालकर बोली बच्चों को गोश्त ला देना और परेशान मत हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख कितने बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी तो उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर चुका था मैं। हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बिगाना कर देते और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं करती। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम हो गई। अपने घर में खुदा जाने वो कितने दुख सह रही होगी। कुछ लम्हे के लिए अपने बहनों के पास बैठकर हालचाल पूछ लिया करो, शायद उनके चेहरों पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून सा आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं और भाई बाप का रूप होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा।